सनराइज न्यूज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। तमाम राजनेता उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं। वो तमाम राजनेता जो उत्तर प्रदेश के बाहर की भी सियासत करते हैं, इस वक्त लखनऊ और लखनऊ के आसपास के इलाकों में दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी आज पहुंची हैं उत्तर प्रदेश और वो अब लगातार दो दिन कांग्रेस को मजबूत करने चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगी। असदुद्दीन ओवैसी MIM के अध्यक्ष, वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन। अयोध्या से उन्होंने भी अपनी यात्रा की शुरुआत की और अयोध्या में उन्होंने रुदौली विधानसभा को चुना और जहां से उन्होंने जनसभा की शुरुआत की। आज बाराबंकी में उनका कार्यक्रम थे। समाजवादी पार्टी के भी अपने तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। अखिलेश यादव भी ट्विटर के जरिए निशाना साध रहे हैं और वहीं बहुजन समाज पार्टी भी अब आगे के रणनीति में जुटी हुई है। काशीराम की को याद करते हुए बहुजन समाज पार्टी अब आगे चुनावी जो कदम ताल है उसमें आगे बढ़ रही है। BJP के अपने कार्यक्रम हैं, वो भी बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं। संगठन को लेकर भी काम चल रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच अब नज़रें असदुद्दीन ओवैसी पर हैं, क्योंकि कहा यह गया तमाम चुनावों में जहां जहां ओवैसी गए कि ये BJP की टीम है। ओवैसी इस तर्क को काटते रहे और ये कहते रहे कि मैं सभी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ता हूं, कुछ सीटों पे मैं अगर चुनाव लड़के एक आध सीट जीत जाता हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है। वो तमाम अपने तरफ से तर्क देते हैं, आंकड़े पेश करते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सौरभ हमारे साथ है। सौरभ, ओवैसी लगातार हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र में वो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सीटों पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि ओवैसी की वजह से BJP को महाराष्ट्र में फ़ायदा हुआ। बिहार वो जाते हैं, ओवैसी वहाँ चुनाव लड़ते हैं, कुछ ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो सभी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन फिर भी कहा गया कि ओवैसी की वजह से BJP को वहाँ फ़ायदा हुआ। अब जब ओवैसी उत्तर प्रदेश आए हैं, कहा यह जा रहा है कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं कि वो BJP की बी टीम के तौर पर आए हैं, ओवैसी इसको नकार रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें सिलसिलेवार ढंग से, ओवैसी अयोध्या से इसकी शुरुआत करते हैं अपने उत्तर प्रदेश दौरे की और समाजवादी पार्टी उनके टारगेट पे है। वो BJP के किसी नेता पर उतने तेज हमले नहीं कर रहे हैं जितना कि वो समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। साफ तौर पे समझा जा सकता है कि ओवैसी अगर समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं तो एक वोट बैंक जो मुस्लिम वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी को वोट देता है, अगर उसमें से कुछ परसेंट कट कर ओवैसी की तरफ जाता है तो नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा। यानी कि विपक्ष क्या सही कह रहा है या ओवैसी किसी और रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में उतरे हैं? देखिए जगह, एक बात तो साफ है, आज ओवैसी की 3 रैली थी। अब तीनों रैली में उनके भाषण सुनिए आप, तो सबसे पहले उन्होंने टारगेट कैसे किया है, अखिलेश यादव को, मायावती को। उन्हें भी पता है कि जो एक मुस्लिम वोट बैंक है वो या तो सपा की तरफ जाता ज़्यादातर या मायावती या फिर कांग्रेस की तरफ, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा टारगेट भी इन्हीं लोगों कर रहे हैं। और जैसे कि इमरान प्रतापगढ़ी हैं कांग्रेस के नेता, उन्होंने एक बात उठाई थी। उन्होंने बोला था कि ओवैसी, हमें लगा था कि जब ओवैसी चुनाव की शुरुआत करेंगे तो वो जाएंगे जहाँ पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, जैसे देवबंद से शुरुआत करेंगे, लेकिन वो शुरुआत करते हैं अयोध्या से। अयोध्या से और BJP का सबसे ज़्यादा चुनाव प्रचार अयोध्या शुरू है, तो वहाँ से किसे फ़ायदा होता है? तो कांग्रेस या सपा की बात तो ठीक लगती है एक तरह से कि अगर नुकसान होगा तो इसमें सपा का या कांग्रेस का, इनका ही नुकसान होगा। लेकिन अगर ओवैसी इसमें ये कहते हैं कि जिसकी तादाद प्रतिशत वो गिनवाते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक कितना है, मुसलमानों की आबादी कितनी है, उस लिहाज से राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये मुद्दा कहीं ना कहीं अपील कर रहा है ओवैसी को? क्या इस चीज़ की भनक लग रही है कि जिस मुद्दे को वो उठा रहे हैं वो जो पढ़ा लिखा मुस्लिम वर्ग है या जो आम मतदाता है मुसलमानों में, उसको अपील कर रहा है, उसे ये मैसेज ये कन्वे कर पा रहे हैं कि दरअसल अब तक आपने जिन जिन को वोट दिया उसने आपको प्रतिनिधित्व नहीं दिया राजनीति में जितना आपको मिलना चाहिए थे? ऐसे में ओवैसी का ये भाषण और बार बार इस बात को दोहराना, क्या ये एक उनकी खास रणनीति है कि वोट प्रतिशत को वो अपने बढ़ा सकें, कुछ सीटें यहाँ निकाल सकें? और जिस तरह से हमने लगातार देखा कि बिहार में भी कहा यह गया, जो आंकड़े भी बता रहे हैं कि अगर ओवैसी बिहार में ना होते तो शायद आज RJD की सरकार बिहार में बनी होती। देखिए, जिस तरह से ओवैसी ने 2 दिन पहले भी बोला था कि जो सारे मुस्लिम हैं वो इकट्ठा होकर एकजुट होकर वोट करें, मतलब उन्होंने खुद के लिए वोट मांगे थे, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए और 2014 का इलेक्शन देखना चाहिए, जब सोनिया गांधी ने यही बात की थी कि सारे मुस्लिम जो हैं वो कांग्रेस को वोट दें, और उन्होंने अहमद बुखारी हैं उनके पास गई थी, वो अहमद बुखारी ने भी कांग्रेस के समर्थन में अपील की थी कि मुस्लिम एकजुट होकर वोट करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
हुआ इसलिए नहीं कि मुस्लिम तो इकट्ठे हुए या नहीं हुए वो अलग बात है, लेकिन जो दूसरा वोट बैंक था बीजेपी का जो वोट बैंक है हिंदू, वो एकजुट हो गया वो, और उसका फिर नतीजा आपने देखे कि 2014-2019 में क्या हुए। ऐसे ही मुझे लगता है कि अब होगा, अब अगर ये कहेंगे कि मुस्लिम एकजुट हो जाएं तो फिर वही स्थिति 2014 वाली शायद दोबारा हो सकती है यहाँ पे। और जैसे कि आपने बताया कि बिहार में जैसा हुआ, तो बिहार में भी नुकसान सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव और इन लोगों को हुआ, और यहाँ पे भी ये हो सकता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान सपा को, बसपा को और कांग्रेस को हो। बिल्कुल, जिस तरह से ये राजनीति आगे बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश में इस वक्त किसानों का मुद्दा भी हावी है। इस किसान आंदोलन और किसानों के मुद्दे के बीच अगर ओवैसी इस राजनीति को बढ़ावा देते हैं कि प्रतिनिधित्व तो आपका इतना है और इसलिए आप इस तरफ हमें वोट करें ताकि आपका प्रतिनिधित्व तो बढ़े, ऐसे में क्या ये आपको लग रहा है जो ओवैसी महाराष्ट्र में भी उन्होंने दलित मुस्लिम गठजोड़ की बात कही, वहाँ पर कई दलित संगठनों के साथ उन्होंने तालमेल करके चुनाव लड़ा, फायदा उन्हें वहां नहीं हुआ, और यहां पर भी उत्तर प्रदेश में भी ओम प्रकाश राजभर को साथ लेके वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नारा भी देते हैं जय भीम जय भीम का, क्या लग रहा है बहुजन समाज पार्टी को डेंट लगाने की भी कोशिश है या सिर्फ अपनी छवि को एक बड़े राजनेता के तौर पर पोर्ट्रेट करने की भी कोशिश है कि मैं सिर्फ मुसलमानों की सियासत नहीं करता हूं, मुझे हर वर्ग का वोट चाहिए, क्या इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश है? नहीं, अगर ये बात होती तो फिर वो हर वर्ग का वोट चाहिए तो फिर वो क्यों वोट मांगते, वो मुस्लिमों का ही वोट सिर्फ मांग रहे हैं। दो दिन पहले उन्होंने भाषण दिया था, तो अगर वो सारे वर्गों की बात होती सबका वोट मांगते हैं, लेकिन वो सिर्फ वो उन्हें लगता है कि जो सपा को वोट मिलेगा मुस्लिमों का या कांग्रेस को मिलेगा वो शायद उन्हें मिल जाए तो फायदा हो जाए, लेकिन ऐसा होता वो मुश्किल दिख रहा है। लेकिन ऐसे में जो उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं, 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी है, बिजली है, सड़क है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, कोरोना में जो हालात हैं और इस वक्त जिस तरह से वायरल फीवर है और जो रहस्यमय बुखार फैला हुआ है, तमाम चीज़ों पर चोट करने की जगह वैसी अगर अपने भाषणों के जरिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं तो क्या उत्तर प्रदेश का मतदाता या मुस्लिम मतदाता, नौजवान मुस्लिम मतदाता क्या ये नहीं समझेगा कि दरअसल जिन मुद्दों को फोकस में होना चाहिए था चुनाव के दौरान उसको ओवैसी नहीं उठा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल में भी डाल सकता है ओवैसी को? जैसे कि हमने हमारे चैनल पे भी अब लोग जा रहे हैं, हमारी टीम जा रही है, हमारी संभल में एक वो किया था, मतलब लोगों से बात की थी वहाँ पे, तो वहाँ पे यही देखने को मिला कि अब जो मुस्लिम हैं चाहे नए नौजवान युवा हैं वो समझने लगे हैं कि खेल क्या चल रहा है ऊपर, उन्हें भी लगता है कि ओवैसी और बीजेपी आपस में कुछ गठजोड़ है, क्योंकि जब वहाँ पे देखा तो वो कहते हैं कि ओवैसी चुनाव के वक्त ही क्यों आते हैं, वो पहले दूसरे मुद्दों में क्यों नहीं देखते, हमारी और भी तो समस्याएं यूपी में वहाँ नहीं देखते, लेकिन जब चुनाव होता है तभी क्यों आते हैं। उन्हें भी लगता है कि जो गलती उन्होंने 2014 में की या 2019 में की 2017 में की वो इस बार नहीं दोहराएंगे। कई और लोग कहते हैं वहाँ पे कि इस बार जो है वोट हम एकजुट होकर ही डालेंगे। बिल्कुल, ये चुनावी मुद्दा है और चुनावी मुद्दों के भीतर किसानों का मुद्दा भी अहम होता जा रहा है, वैसी की राजनीति किस तरफ जाएगी इस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन अब बात हम किसानों की स्थिति पर कर लें, करनाल में धरना जारी है और प्रशासन झुकने को तैयार नहीं है। कल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से बयान आया जो सनराइज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है, अधिकारी के बयान में ये साफ तौर पे था, उन्होंने कहा है कि जो भी इस तरह का आदेश होता है वो आदेश आता है तब अधिकारी उसका पालन करते हैं, या कहीं ना कहीं तभी जबान में इस चीज़ के संकेत मिल गए कि जो लाठीचार्ज का आदेश आया था वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कार्यालय या गृह मंत्रालय की तरफ से, जो हरियाणा का गृह मंत्रालय वहाँ से आया था, क्या इस तरफ संकेत नहीं जा रहे हैं? क्या ये बयान आने वाले वक्त में राजनीतिक मुश्किल का सबब नहीं बन सकता है मुख्यमंत्री खट्टर के लिए? हाँ बिल्कुल बनेगा, और आप देखिए कि अगर जो उन्होंने बोला कि बयान मतलब सरकार की तरफ से है, वो बयान मतलब जो आदेश था सरकार की तरफ से था तो वो सरकार की तरफ से है ही, लेकिन आप ये देखिए कि एक SDM ने आदेश दिया सिर फोड़ने का और सिर फूट गया वहाँ पर, तो सोचिए कि उसे बर्खास्तगी की मांग के लिए लाखों किसान एकजुट हैं लेकिन सरकार टस्सेमस नहीं हो रही है, और जो कानून है जिसके लिए किसान लड़ रहे हैं कि वो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है और उसमें ही कि अगर कोई विवाद होता है किसान और कंपनी के बीच तो उसका जो समझौता करेगा या किसान जाएगा SDM के पास तो SDM उसका फैसला करेगा, वो उसकी सुनवाई करेगा, तो सोचिए एक किसान जब SDM के पास जाएगा तो क्या सुनेगा वो, जब इतने लाखों किसान मतलब करनाल में जुटे हैं एक SDM की बर्खास्तगी के लिए और वो भी उसकी गलती पर, तो जब सरकार वहाँ नहीं सुन रही है तो एक SDM किसान की बात कैसे सुनेगा।
और दूसरी बात रही बात इसकी खट्टर को नुकसान कितना, नुकसान तो वो चुनाव में देखने को मिलेगा, भले ही अभी जो मनोहर लाल खट्टर हैं उनके जो खाते में कई सारी नाकामियां हैं, चाहे वो जाट आंदोलन को लेकर हों या राम रहीम वाले मामले में हों, हर बार मौतें होती हैं लेकिन कोई इस्तीफा नहीं होता। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि चुनाव में बहुत नुकसान बीजेपी को होगा। लेकिन ऐसे में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि करनाल में किसानों ने डेरा डाल दिया और लग ये रहा है कि दिल्ली के आसपास के तमाम बॉर्डर पे जो किसान डटे हुए हैं उसी तरह का कहीं एक और धरना स्थल ना बन जाए, क्या ये सरकार की भी कोशिश है कि दिल्ली से अब किसानों का फोकस हटा के करनाल शिफ्ट किया जाए ताकि दिल्ली के जो रास्ते बंद हैं वो कहीं ना कहीं ढीले पड़े और वो खोल दिए जाएं, क्योंकि किसान जिस तरह से वहाँ लामबंद हो रहे हैं लग ये रहा है कि वहाँ पर भी एक अनिश्चितकालीन धरने की स्थिति बन रही है। देखिए शुरू में तो ऐसे ही लगा था लेकिन इस बार किसान मतलब हर चाल समझ रहे हैं सरकार की भी, तो वो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। अब उनका कल एक सवाल किसी ने पूछा था ये, तो बोले कि हमारा जो आंदोलन वहाँ पर गाजीपुर और दूसरे बॉर्डर वो चलता रहेगा और यहाँ पर हमारा ये आंदोलन भी चलेगा साथ के साथ, और इस आंदोलन और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आंदोलन हम खत्म नहीं करेंगे। तो जब तक वो ये मांग नहीं मानी जाएगी, एसडीएम बर्खास्त नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ऐसे में आखिरी सवाल ये है कि एमएसपी बढ़ाई सरकार ने और किसानों ने कहा है कि जिस तरह से सरकार दावा कर रही है एमएसपी बढ़ाने का और इसको एक तरह से पब्लिक उसका प्रचार भी कर रही है, लेकिन दरअसल वो 2% से ज़्यादा एमएसपी नहीं बढ़ी है, क्या मुश्किल अब केंद्र सरकार के सामने भी आके खड़ी हो गई है 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा हो या किसानों के हित में फैसला करने की बात हो, केंद्र सरकार के सामने भी मुश्किल है, और क्या ये सरकार के लिए इतना मुश्किल कदम हो सकता है कानून को वापस लेना, 9 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, सरकार दरअसल कहाँ पर मजबूर दिखाई दे रही है? सरकार तो मजबूर है लेकिन वो एक अपना मजबूत भी दिखाना चाह रही है कि हमने आज तक अभी झुके नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं होता इस सरकार में, तो वो अगर उन्हें लगता है कि अगर हम झुक जाएंगे तो मैसेज गलत जाएगा, लेकिन इससे उसे नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम चर्चा करने के लिए। तो ये चर्चा सनराइज न्यूज़ के दर्शकों को कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, साथ ही तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम और जानकारी के लिए, तमाम खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए शेयर।